सो हेलो भी सर, स्वागत है एक और नए वीडियो पे। सो दोस्तों, काफी सर भाई लोग का मेरे इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा इस तरह का मैसेज आ रहा था कि हमारे पास 900 वाटेज का, 1000 वाटेज का, 1100 और 1200 और 1300 वाटेज तक का टॉप है। हम एक बजट फ्रेंडली अच्छे ब्रांड का एमिल फायर लेना चाहते हैं, जो कि एक ही एमिल फायर पे हम चार टॉप चलाना चाहते हैं, चाहे 900 वाटेज का हो या 1100 या 1200 या 1000 वाटेज का हो। हम एक ही एमिल फायर पे चार टॉप चलाना चाहते हैं, जो कि उस वाले एमिल फायर को हम डीजे में भी यूज कर सकें, लाइव प्रोग्राम में भी यूज करें, तो काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस, अच्छे क्वालिटी का साउंड निकाल कर दे सके और रोज एमिल फायर हो, लॉन्ग टाइम तक टिकाऊ भी रहे और अच्छे ब्रांड का एमिल फायर हो, अच्छे कंपनी का एमिल फायर हो और हमारे बजट रेंज के अंदर में आ जाए। तो फाइनली सर, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का आईडियोटोन की तरफ से एक अच्छे मॉडल का एमिल फायर डुअल चैनल में लेकर आ गया हूं, जो कि इस पर चार टॉप चलाने के लिए ये एमिल फायर काफी ज्यादा परफेक्ट है, जो कि अगर आप लोग इसे डीजे में भी चलाएंगे और भी सर आप लोग इसे लाइव प्रोग्राम में भी यूज करेंगे तो काफी ज्यादा बेस्ट है, जो कि इस वाले एमिल फायर का डंपिंग फैक्टर भी काफी ज्यादा बेहतरीन है, जो कि इस पे अगर आप लोग बेस भी चलाते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, या कि सर आप लोग हैवी वाटर्स का टॉप भी चलाएंगे तो काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। साथ ही सर, इस वाले एमिल फायर का कितना प्राइस है, कैसे आप लोगों को कनेक्शन करना है, सारा कुछ जानकारी इस वाले वीडियो में मैं देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसटीजे ब्लॉग नंबर 1 में। अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं आप लोग पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कि सर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं, जिसके जरिए स्क्रीन पर शो हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सर, ये है आइडियोटोन का रेड लाइन सीरीज का प्रोफेशनल पावर एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर RL5700AD देखने को मिल जाएगा, जो कि सर ये वाला एम्पलीफायर आइडियोटोन का काफी ज्यादा बेहतरीन क्वालिटी का और काफी ज्यादा अच्छे वाटेज का, और आप लोगों को अपने बजट के हिसाब से ये एम्पलीफायर मिलने वाला है, जो कि काफी ज्यादा लॉन्ग टाइम तक भी अगर आप लोग इसे चलाते हैं प्रोग्राम में तो कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। इस वाले एम्पलीफायर का फ्रंट पैनल का डिजाइन कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके फ्रंट पैनल पे आप लोगों को आइडियोटोन प्रोफेशनल का ब्रांडिंग, साथ ही सर इसका मॉडल नंबर RL5700AD यहाँ पर मेंशन किया गया। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को दो वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा, जो कि चैनल 1 और चैनल 2 के लिए, साथ ही सर यहाँ पर क्लिप के लिए, सिग्नल के लिए और प्रोटेक्शन के लिए और सर एक्टिव के लिए सारा कुछ यहाँ पर आप लोगों को लाइट इंडिकेट देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके माध्यम से आप लोग अपने एम्पलीफायर को इजीली ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को काफी ज्यादा अच्छे खूबसूरत डिजाइनिंग में यहाँ पर दोनों साइड में आप लोगों को ग्रिल जाली देखने को मिल जाएगा, जो कि इस ग्रिल जाली के माध्यम से एम्पलीफायर का एयर वेंटिलेशन रिलीज होता रहता है, ताकि आप लोगों का एम्पलीफायर लॉन्ग टाइम तक भी चले तो इसके अंदर कोई भी हीटिंग प्रोटेक्शन का चांस देखने को न मिले। यहाँ पर आप लोगों को दो हैंडल देखने को मिल जाएगा और सर एम्पलीफायर का जो साइज है 3U में देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को इजिली फ्लाइट केस के अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एम्पलीफायर का बैक पैनल की अगर बात करेंगे तो एम्पलीफायर का बैक पैनल कुछ आप लोगों को इस टाइप से देखने को मिल जाएगा, जो कि इसका बैक पैनल पे भी आप लोगों को आइडियोटोन का ब्रांडिंग, साथ ही सर इसका मॉडल नंबर सारा कुछ मेंशन किया गया और सर सीरियल नंबर भी, ताकि ओरिजिनलिटी का पहचान आप लोग इजिली कर पाए। साथ ही सर दोनों साइड में आप लोगों को बड़े बड़े फैन देखने को मिल जाएगा, जो कि दोनों ही फैन 4 इंची के फैन है, काफी ज्यादा हाई स्पीड में चलेंगे, जो कि एम्पलीफायर को कूलिंग करने में काफी ज्यादा मदद भी करेगा। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को चैनल ए और चैनल बी के लिए इनपुट और आउटपुट के लिए XLR का मेल फीमेल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इनपुट और आउटपुट दोनों काम इसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को आउटपुट के लिए स्पीकर का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही सर बनाना टर्मिनल का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप लोग चाहेंगे तो स्पीकर से भी आप लोग आउटपुट ले सकते हैं, यानी स्पीकर चला सकते हैं, या कि सर आप लोग डायरेक्टली अपने स्पीकर के यानी बॉक्स के यहाँ पर वायर को भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर आप लोग इस एम्पलीफायर पे बेस चलाते हैं तो यहाँ पर बेस फ्रिक्वेंसी सेट करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर दो वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा, और सर यहाँ पर आप लोगों को क्रॉसओवर के लिए स्विच भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग अपने हिसाब से इस वाले स्विच को सेट कर सकते हैं कि आप लोग इस पे 18 इंची का स्पीकर चला रहे हैं या 21 इंची का, उसके हिसाब से आप लोग स्पीकर के माध्यम से यहाँ पर बेस फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं। साथ ही सर यहाँ पर आप लोगों को पैलर मोड और ब्रिज मोड और सर स्टूडियो मोड करने के लिए एक स्विच देखने को मिल जाएगा, और सर यहाँ पर सेंसिविटी सेलेक्ट करने के लिए भी स्विच मिल जाता है, जो कि 0.775 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, 1. वोल्ट पे भी चला सकते हैं, 1.5 वोल्ट पे भी चला सकते हैं, तो आप लोग 0.775 वोल्ट पे रखिएगा तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि स्पीकर जलने के चांस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। और सर यहाँ पर आप लोगों को रीसेट करने के लिए एक यहाँ पर स्विच देखने को मिल जाएगा, एम्पलीफायर कभी ओवरलोड मारता है तो इस वाले स्विच को प्रेस करके इजीली आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को पुनः रीसेट करके चालू कर सकते हैं,
कोई दिक्कत नहीं होगा। और गीसर इस फ्लेम फायर का जो पावर केबल है वो भी काफी ज्यादा मजबूत है, जो कि यहाँ पर आप लोगों को आइडियाटोन का पैच ब्रांडिंग यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। बात करेंगे इस फ्लेम फायर के पावर आउटपुट के बारे में, तो गीसर इस फ्लेम फायर का जो पावर आउटपुट है आप लोगों को 8 ओम पे पर चैनल पे 1200 वाट देखने को मिल जाएगा, जो कि अगर आप लोग इस पे लोड देना चाहते हैं 8 ओम पे तो आप लोग पर चैनल पे 1200 वाट तक का लोड डाल सकते हैं, यानी एक स्पीकर 1200 वाट करेगा, बेस का तो चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 4 ओम पे ये जो एम्पलीफायर है आप लोगों को 1950 वाट निकाल कर दे देता है, जो कि अगर आप लोग इस पे 2000 वाट तक का भी टॉप चलाते हैं या किसी आप लोग बेस चलाते हैं 4 ओम पे, तो इजिली आप लोग एक चैनल पे दो स्पीकर चला सकते हैं 1000 वाट का, या किसी आप लोग 900 वाट का, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। 2 ओम के इसके पावर के बारे में बात करेंगे तो 2 ओम पे यह जो एम्पलीफायर है 2400 वाट निकाल कर दे रहा है, तो अगर सर 2400 वाट निकाल कर दे रहा है तो आप लोग इस पे एक साथ में 4 स्पीकर एक चैनल पे चला सकते हैं, जो कि सर 600 वाट का एक स्पीकर रहेगा तो 4 चला सकते हैं, यानी 8 स्पीकर 600 वाट तक का चला सकते हैं, या कि सर अगर आप लोग टॉप बनाते हैं 900 वाट या 1000 वाट या 1100 या 1200 वाट तक का, तो आप लोग इजीली इस पे चला पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला नहीं है। अगर 1000 वाट का भी टॉप रहेगा तो एक चैनल पे दो टॉप और दूसरे चैनल पे दो टॉप, या कि सर 1100 वाट का भी टॉप रहेगा तो एक चैनल पे दो टॉप और दूसरे चैनल पे दो टॉप, या 1200 वाट का रहेगा तो उस टाइप से भी आप लोग इस पे 4 टॉप चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो काफी चार भाई लोग का यही रिकमेंड था कि हमारे पास 900 1000 या 1100 या 1200 वाट तक का टॉप है तो हम कौन सा एम्पलीफायर लें ताकि इस टाइप के हम टॉप को एक ही एम्पलीफायर पे 4 चला सके। तो ये एम्पलीफायर काफी ज्यादा परफेक्ट है, जो कि अगर आप लोग के पास 400 या 500 या 600 वाट तक का बीच का एक स्पीकर है तो इस पे एक साथ में 8 स्पीकर चला सकते हैं, एक चैनल पे 4 स्पीकर यानी टॉप आप लोग बनाकर, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। एम्पलीफायर का जो ब्रिज मोड का पावर है वो आप लोगों को 3750 वाट 8 ओम पे देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप लोग बेस हेवी वाट का बजाना चाहते हैं एक ही स्पीकर तो इस टाइप के आप लोग स्पीकर लगा सकते हैं, या कि सर अगर आप लोग 4 ओम पे चलाना चाहते हैं ब्रिज मोड में तो 4650 वाट दे देता है, तो आप लोग 4045 वाट तक का डुअल बेस एक चला सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है ब्रिज मोड में। ये जो एम्पलीफायर है क्लास एच का एम्पलीफायर है, जो कि काफी ज्यादा हैवी और मजबूत इसका सर्किट बोर्ड होता है, जो कि काफी अच्छा आउटपुट निकाल कर दे देगा। इस वाले एम्पलीफायर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा बेस्ट है। इस वाले एम्पलीफायर का जो मेन इंपॉर्टेंट डंपिंग फैक्टर है वो आप लोगों को 1000 देखने को मिलेगा, जो कि अगर आप लोग इसे कंपटीशन लेवल के डीजे में भी यूज करेंगे तो ये एम्पलीफायर काफी ज्यादा बेस्ट है 4 टॉप चलाने के लिए भी, या बेस अगर आप लोग इस पे रन कर सकते हैं तो बेस के लिए भी काफी ज्यादा परफेक्ट है। ये जो एम्पलीफायर है इसका जो वजन है 33 kg 500 ग्राम देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा हैवी वजन में ये एम्पलीफायर आ जाता है। अगर हम इसके प्राइस के बारे में बात करेंगे तो इस वाले एम्पलीफायर का जो प्राइस है आप लोगों को मार्केट में लगभग 35,000 से 40,000 के बीच में देखने को मिल सकता है। तो इतने प्राइस रेंज में ये एम्पलीफायर काफी ज्यादा परफेक्ट है, जो कि सर इतने बजट में ये एम्पलीफायर मिल रहा है वो भी गई सर 4 टॉप चला लेंगे या हैवी से भी वाटर्स का बेस भी चला पाएंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो गई सर आई होप कि आप लोगों को ये वाला एम्पलीफायर काफी ज्यादा पसंद आएगा, साथ ही सर ये वीडियो भी काफी ज्यादा पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, ताकि आप लोग मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाए। अगर आप लोग मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।